नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस YouTube प्लेटफॉर्म में, जिसमें मैं अनिकेत देवांगन फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय अर्थव्यवस्था का एक नवीन टॉपिक। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टॉप MCQ सीरीज के माध्यम से हम MCQ के माध्यम से प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए जा रहे हैं, और उसी में मैं इकोनॉमी का पोर्शन आप लोगों का ले रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ क्लासों में हमने सीखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था कहां पर स्टैंड कर रही है, विश्व की अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं कैसे रन करती है, और उस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो ठीक है रैंकिंग है, उस देश की GDP के थ्रू लगाते हैं। और GDP क्या होता है कि देश मतलब एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत में एक वित्तीय वर्ष में जितने भी वस्तुओं का उत्पादन किया गया उसका पैसे में वैल्यू क्या कहलाता है दोस्तों, GDP कहलाता है। तो कहने का मतलब लोगों के द्वारा ही यह उत्पादन किया जाता है, और यदि लोग असक्षम रहेंगे, उनकी कार्य कुशलता कम रहेगी, तो बट ऑब्वियस वो सीधी सी सीधी बात है, उनकी आर्थिक स्थिति तो उनसे कहीं ना कहीं हैम्पर होगी ही, और देश की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं पीछे जाएगी। तो कहने का मतलब दोस्तों, यदि देश की अर्थव्यवस्था को हम लोगों को आगे पहुंचाना है, तो सबसे पहले जो कुछ बेसिक समस्याओं का सामना देश कर रहा है, उस समस्याओं को दूर करना जरूरी है। जैसे गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, ये कुछ ऐसी समस्या है जो अन्य प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। यदि व्यक्ति बेरोजगार रहेगा तो वो अपने अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा, अपने बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पाएगा, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पाएगा। और जब उनके बच्चे बड़े होंगे और मार्केट में काम ढूंढने के लिए जाएंगे, समाज में उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी कम हो जाएगा। कहने का मतलब उनकी आर्थिक स्थिति तो खराब होगी, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं देश की आर्थिक स्थिति को भी वो हैम्पर करेंगे, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है दोस्तों, कम होती है। तो कहने का मतलब यदि देश को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले इन सारी समस्याओं को दूर करना क्या होगा दोस्तों, जरूरी होगा। और यदि समस्याओं को दूर करना है, तो सबसे पहले वास्तविक में कौन व्यक्ति बेरोजगार है, इनका मापन कैसे किया जाए, ये हमको जानना जरूरी है। तो लास्ट क्लास में जैसे हम लोग गरीब किनको कहें और किनको गरीबी नापने का आधार माना गया, और भारत में कितने प्रतिशत वर्तमान में गरीबी है, इसको समझने के लिए हम लोग गरीबी से रिलेटेड टॉपिक पढ़े। आज हम लोग देखेंगे बेरोजगारी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं देश के लिए अभी भी वर्तमान में काफी गंभीर समस्या है, और इस समस्या से भी निजात पाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज की विषय सूची क्या है। तो आज की विषय सूची में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भैया बेरोजगार या बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी के प्रकार क्या है, बेरोजगारी का मापन कैसे किया जाता है, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न बोलता है कि बेरोजगारी से सामान्यता आशय है। ठीक, देखो बेरोजगार व्यक्ति किसको बोलेंगे, एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, बेरोजगारी, यदि बेरोजगारी को हम लोग डिफाइन करने के लिए जाए, बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट यदि इसको हम डिफाइन करने जाए, तो ध्यान में रखना, ठीक है, यह वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या फिर वर्ग, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, यह वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या वर्ग काम के प्रति इच्छा रखता है, काम के प्रति इच्छा रखता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ऐसा व्यक्ति या वर्ग जो काम के प्रति इच्छा रखता है और न्यूनतम मजदूरी दर पर कार्य करने तैयार है, परंतु फिर भी उसे पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त नहीं होता। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऐसा वर्ग या व्यक्ति जो काम के प्रति इच्छा तो रखता है, तो ध्यान में रखिएगा, कुछ चीजों को अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, काम के प्रति इच्छा रखना ये सबसे पहला मापक है किसका, बेरोजगारी के लिए। यदि ध्यान में रखिएगा, कोई काम के प्रति अनिच्छा प्रकट कर रहा है, तो उसको बेरोजगारों की कैटेगरी में सबसे पहले हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, काम के प्रति इच्छा रखना जरूरी है,
ठीक है। तो एक ऐसा वर्ग या व्यक्ति जो काम के प्रति इच्छा तो रखता है और न्यूनतम मजदूरी दर पर वो काम करने के लिए भी तैयार है, परंतु फिर भी उसे पूर्ण कालिक रोजगार की प्राप्ति नहीं होता। कहने का मतलब उसकी उसकी जो उत्पादकता है, उसकी जो उत्पादकता है वो क्या होती है दोस्तों, शून्य होती है, शून्य होती है। कहने का मतलब ऐसा वर्ग या व्यक्ति को क्या बोलते हैं, बेरोजगार बोलते हैं। अब देखिए, उसको काम नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है वो योग्य ना हो, हो सकता है वो योग्य ना हो या एलिजिबल ना हो। ठीक है भैया, कई लोग ऐसे होते हैं जो योग्य नहीं होते। जैसे कोई एक एग्जाम निकला, सपोज करो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मांगा गया लॉ ग्रेजुएट, या किसी में केवल इकोनॉमी ग्रेजुएट माना गया। ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है ठीक, जिसको उस लॉ के बारे में या फिर इकोनॉमी के बारे में काफी अच्छा जानकारी है, काफी अच्छी जानकारी है, वो उस पेपर को निकाल सकता था, लेकिन चूंकि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं करता था, वो एग्जाम को दे नहीं पाया। ठीक है ना, कहने का मतलब वो व्यक्ति सक्षम तो है, ठीक है ना, एबिलिटी है उसके में, लेकिन एलिजिबिलिटी नहीं है, है ना। मतलब काम करने के प्रति इच्छा तो रख रहा है लेकिन एलिजिबिलिटी नहीं है, और एलिजिबिलिटी के कारण उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो सक्षमता दूसरा यहां पर हो सकता है। यहां सक्षमता को दो प्रकार से देखा जाता है, एक तो ध्यान में रखिएगा फिजिकल एबिलिटी, शारीरिक क्षमता, दूसरा मेंटल एबिलिटी। देखो शारीरिक सक्षम तो है लेकिन मानसिक तौर पे सक्षम नहीं है और इसके कारण उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो योग्यता, क्षमता, कुशलता, कुशलता, ठीक है ना, अगर वो स्किल्ड ही नहीं है ठीक, तो बेरोजगार होने के पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, एक ऐसा वर्ग या व्यक्ति जो काम के प्रति इच्छा रखता है और न्यूनतम मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है, परंतु फिर भी उसे जब पूर्णकालिक रोजगार नहीं मिलता है, अर्थात उसकी उत्पादकता जब शून्य होती है दोस्तों, तो ऐसे वर्ग या व्यक्ति को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेरोजगार। तो चलिए पहले नंबर के क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेरोजगारी से सामान्यता आशय है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बेरोजगारी से सामान्यता आशय क्या है, उत्पादन कार्य पर ना लगा होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि श्रमबल जनसंख्या से क्या हम लोग समझते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये श्रमबल जनसंख्या है क्या। ठीक है, श्रमबल जनसंख्या से हम क्या समझते हैं, यहां पर दो टर्मिनोलॉजी आप लोगों को ध्यान में देनी है, एक तो श्रमबल ठीक है और दूसरा कार्य बल। ठीक, एक को हम लोग बोल रहे हैं लेबर फोर्स और दूसरे को हम लोग बोल रहे हैं वर्क फोर्स। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने ठीक है ना को अपराध मानता है। ठीक है ना, मतलब 14 साल तक के बच्चों को किसी भी कार्य में लगाना जो है वो एक प्रकार से अपराध के कैटेगरी में रखा गया है। संविधान ये वादा करता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्रदान किया जाएगा, क्योंकि यही जो है कल के भविष्य हैं, और यदि इनको बचपन से इन सब चीजों में झोंक दिया जाए तो उनका खुद का एक पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, तो कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि काम करना, भारतीय संविधान बोल रहा है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को केवल शिक्षा के प्रति झुकाव होना चाहिए और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो कहने का मतलब 15 वर्ष तक के बच्चे जो हैं, 15 वर्ष के बच्चे जो हैं वो काम करने के लायक होंगे। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, रिटायरमेंट की एज जो है केंद्र सरकार ने कितने निर्धारित किए हैं, 60 साल। मतलब 15 से 59 वर्ष तक के लोगों को जो है वो काम करने के लायक माना गया है। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कुल जनसंख्या का वह भाग जो 15 से 59 आयु वर्ग का है, अर्थात वो कोई ना कोई काम करने के लायक है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, श्रमबल का हिस्सा बोला जाता है। तो मतलब कुल जनसंख्या में, मतलब जैसे देश में 121 करोड़ की जनसंख्या है 2011 के अनुसार, उनमें से 15 से 59 साल तक के जितने भी लोग होंगे उनको श्रम बल का हिस्सा माना जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इतने एज ग्रुप के लोग जो है वो कोई ना कोई काम जो है वो करने के लिए सक्षम होते हैं, लायक होते हैं।
लेकिन ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि जैसे मैंने क्या बोला, 121 करोड़ में हो सकता है कि 70 करोड़ जो है वो 15 से 59 साल के बीच, लेकिन क्या पूरे 70 करोड़ लोग काम कर रहे हैं क्या दोस्तों? नहीं काम कर रहे हैं। हो सकता है इसमें से 40 करोड़ लोग क्या हो, वर्किंग हो। तो कहने का मतलब श्रमबल का वो हिस्सा, श्रमबल का वह हिस्सा, श्रमबल का वह हिस्सा जो जो कोई ना कोई, जो कोई ना कोई उत्पादन कार्य, उत्पादन कार्य कर रहा है, कर रहा है, उसे कार्यबल का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो श्रमबल जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, 15 से 59 वर्ष के सभी व्यक्ति जो हैं वो किसका हिस्सा माना जाएंगे दोस्तों? श्रमबल का हिस्सा माना जाएंगे। चलिए आगे की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, ठीक है ना? वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। चलिए ये ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित एक रिपोर्ट आई थी जिसको भगवती कमिटी रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो भगवती कमिटी ने, ठीक है, इसको कैसे डिफाइन किया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो भगवती कमिटी के अनुसार, ठीक है ना, भगवती कमिटी के अनुसार हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं भगवती कमिटी ने क्या बोला है। तो ध्यान में रखिएगा, एक तो सबसे पहली बात, जो बेरोजगारों और गरीबों से संबंधित आंकड़े इकट्ठे का करने का काम जो करता था पहले, वो कौन करता था दोस्तों? NSSO, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये जो हैं इससे संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने का काम जो है वो किया करते थे, ठीक है ना? तो इस कमिटी ने, ठीक है, बेरोजगारी को मापने के तीन तरीके बताए हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन तरीकों के बारे में। तो सबसे पहला जो है उसे कहा जाता है सामान्य स्तर बेरोजगारी। कितने तरीके बताए हैं इन्होंने? तीन तरीके बताए हैं, जिसमें पहला है सामान्य स्तर बेरोजगारी, या जिसे बोला जाता है यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दूसरा जो है साप्ताहिक स्तर बेरोजगारी, या जिसको बोला जाता है वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयड। तीसरा जो है दैनिक स्तर बेरोजगारी या जिसको बोला जाता है डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयड, ठीक बात है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन तीनों के आधार पर जो है वो बेरोजगारी को मापा जाता है, ठीक बात है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सामान्य स्तर बेरोजगारी या यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा, बेरोजगारी की वह दशा, ठीक है ना, जिसमें व्यक्ति ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एक वर्ष की बात कर रहे हैं, मतलब 365 दिन में, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति दर है, ठीक, जो बेरोजगारी को मापने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो वह दशा जिसमें व्यक्ति एक वर्ष में, ठीक है, या 365 दिन में 183 डे 8 घंटा यदि काम करता है तो उसे पूर्णकालिक रोजगार मान लिया जाता है, ठीक है ना। मतलब वर्ष में यदि कोई 183 दिन और यदि प्रत्येक दिन वो 8 घंटा काम कर रहा है तो वो पूर्णकालिक रोजगार के अंदर में काउंट किया जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आगे चलकर इस परिभाषा को चेंज किया गया और वर्तमान में क्या देख रहे हैं कि मिनिमम 273 दिन यदि 8 घंटा वो डेली काम करता है तब जाकर उसे पूर्णकालिक रोजगार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह एक व्यक्ति दर है जो कि दीर्घकालिक
बेरोजगारी को व्यक्त करता है। दीर्घकालिक बेरोजगारी क्यों? क्योंकि वर्ष में यदि 273 दिन से यदि कोई कम काम कर रहा है तो एक लंबे समय तक वो बेरोजगार भी बैठा हुआ है। ठीक बात है। तो देखो, बेरोजगारी की वह दशा जिसमें व्यक्ति एक वर्ष में या 365 दिन में मिनिमम जो है 273 दिन यदि 8 घंटे काम नहीं कर रहा है तो उसको सामान्य स्तर या यूजर स्टेटस अनएम्प्लॉयड के अंदर में काउंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं दूसरा साप्ताहिक स्तर बेरोजगार, ठीक है, या जिसको बोला जाता है वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयड। अब ध्यान में रखिएगा, ये वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयड या साप्ताहिक स्तर का बेरोजगार किसे हम लोग कहते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, ये भी एक व्यक्ति दर है, यह भी एक व्यक्ति दर है, मतलब बेरोजगारी की वह दशा जिस पे पिछले एक कार्यालयीन दिवस पर। तो सबसे पहली तो बात यह है कि ये जो है वीकली बेसिस पर, ठीक है, काउंट किया जाता है। जिस पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है, एक कार्यालयीन, पिछले एक मतलब 7 कार्यालयीन दिवस कर लीजिएगा इसको, एक सप्ताह है वो, मतलब पिछले एक सप्ताह में मतलब यह एक व्यक्ति दर है जिसमें पिछले 7 कार्यालयीन दिवस पर या एक सप्ताह में या 7 वर्किंग डे। ध्यान में रखिएगा, यहां पर वर्किंग डे की बात की जा रही है। कहने का मतलब, सपोज कर लो जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे। सपोज कर लो सैटरडे और संडे क्या है, छुट्टी है, ठीक है ना। तो एक या 7 कार्यालयीन दिवस किसको बोलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है ना। जो छुट्टी का दिन होता है उसको क्या कर दिया जाता है, इसमें छोड़ दिया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, एक व्यक्ति दर जिसमें पिछले 7 कार्यालयीन दिवस पर या एक सप्ताह में यदि किसी व्यक्ति को किसी भी दिन एक घंटा भी काम प्राप्त ना हो, तो उसे ध्यान में रखिएगा साप्ताहिक स्तर बेरोजगार के रूप में गिना जाता है, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति दर है जिसमें पिछले 7 कार्यालयीन दिवस पे किसी भी दिन यदि किसी व्यक्ति को एक घंटा भी काम प्राप्त करने पर यदि वो व्यक्ति असमर्थ रहता है तो ध्यान में रखिएगा उसको साप्ताहिक स्तर बेरोजगार के रूप में काउंट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए तीसरा हम लोग आते हैं दैनिक स्तर बेरोजगार या जिसको बोलते हैं डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयड। यह भी एक व्यक्ति दर है, यह भी एक व्यक्ति दर है जिसमें कोई भी व्यक्ति यदि दिन में 4 घंटे से कम काम करता है तो उसे ध्यान में रखिएगा आधे दिन कार्यरत माना जाता है। कहने का मतलब they are not fully employed। ध्यान में रखिएगा, तो एक व्यक्ति दर है जिसमें यदि दिन में व्यक्ति 4 घंटे से कम काम कर रहा है तो उसको ध्यान में रखिएगा आधे दिन का ही कार्यरत के रूप में गिना जाता है, मतलब इसकी जो काउंटिंग होती है वो डेली बेसिस पर होती है। चलिए अब प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न यहां पर क्या बोल रहा है ध्यान में रखिएगा, प्रश्न यहां पर कहता है
कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, वर्ष के अधिकांश हिस्से में जो बेरोजगार है उन्हें कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारत में बेरोजगारी मापन के निम्नलिखित में कौन सी विधि एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो जैसे कि हमने क्या देखा, सामान्य प्रमुख स्तर ये लाई जाती है, सामान्य साप्ताहिक स्तर या चालू साप्ताहिक स्तर, वीकली स्टेटस ये भी लाई जाती है, चालू दैनिक स्तर इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चालू मासिक स्तर का इस्तेमाल जो है नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो जैसे कि मैंने क्या बोला, आंकड़े इकट्ठा करने एवं प्रकाशित करने का जो काम किया करता था वो कौन करता था, NSSO, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। अब यहां पर ये क्वेश्चन बेरोजगारी के स्वरूप से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, किससे रिलेटेड है, बेरोजगारी के स्वरूप से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेरोजगारी के अलग अलग स्वरूपों के बारे में जानना जरूरी होगा। तो चलिए देखते हैं, उसके बाद में वापस से इस प्रश्न पे आएंगे और बेरोजगारी के स्वरूप के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो बेरोजगारी के विभिन्न स्वरूपों की बात करते हैं, और जिसमें सबसे पहला जो हम लोग समझते हैं वो होता है चक्रीय या साइक्लिक या चक्रीय अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखते हैं ये साइक्लिक या चक्रीय बेरोजगारी होती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखना चक्र मतलब यहां पर एक सर्कल या एक चक्के की बात हो रही है, और चक्के की क्या खासियत होती है, यदि यहां से हम लोग मूव करना चालू करें तो एक कंप्लीट सर्कल के बाद में वापस से हम लोग यहीं पर पहुंचते हैं, उसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। ठीक बात है कि नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, इस टाइप की बेरोजगारी या बेरोजगारी की वह दशा है या बेरोजगारी की वह दशा है जो कि बाजार की शक्तियों पर निर्भर होती है, बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती है या मार्केट फोर्सेस पर निर्भर करती है। तो बेरोजगारी की वह दशा है जो बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती है, और बाजार की शक्तियां होती क्या है, डिमांड सप्लाई, ठीक है, कंपटीशन, ये सब क्या है दोस्तों, बाजार की शक्तियां हैं। ठीक है, कहने का मतलब यदि डिमांड वस्तु का ज्यादा रहेगा, ठीक है, डिमांड वस्तुओं का ज्यादा रहेगा, कहने का मतलब अर्थव्यवस्था में क्या आ रही है, तेजी आ रही है, लोगों के पास में पैसा है। डिमांड कब ज्यादा होता है, जब लोगों के पास में ध्यान में रखिएगा मनी सप्लाई क्या रहेगी, ज्यादा रहती है। और जब मनी सप्लाई ज्यादा रहती है, लोगों के पास में पैसा ज्यादा रहता है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों डिमांड भी क्या रहता है, ज्यादा रहता है। और लोगों के पास में मनी सप्लाई रहेगी तो मार्केट कहने का मतलब तेज रहेगा। सपोज कर लो लोगों के पास पैसे कम है, मनी सप्लाई कम है, तो वो लोग वस्तु को भी कम खरीदने रखेंगे और मार्केट धराम से क्या होगा, गिरेगा। तो कहने का मतलब कभी मार्केट में हम लोगों को तेजी देखने को मिलेगी, और कभी मार्केट में हम लोग को डाउन देखने के लिए मिलेगा, और कभी जो मार्केट है वो कैसा बिहेव करेगा, स्टेबल होकर आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब बेरोजगारी की वह दशा है, ठीक है, जो इस मार्केट बिहेवियर तेजी और मंदी पर निर्भर करती है, और ये साइकिल जो है वो हमेशा चले आते रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब बेरोजगारी की वह दशा जो बाजार की शक्तियों पर निर्भर है, कहने का मतलब समग्र मांग में ठीक है वृद्धि के साथ कम हो जाती है, और वही कहने का मतलब समग्र मांग कहने का मतलब डिमांड में वृद्धि के साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, ध्यान में रखेगा कम होगा। रीजन क्या, लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, वस्तुएं खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और उस वस्तुओं को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, वर्कर की जरूरत पड़ती है। जब लोग ज्यादा सामान खरीदने चाह रहे हैं तो ज्यादा सामान बनाने की भी जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा सामान को बनाने के लिए ज्यादा मजदूरों की भी जरूरत पड़ेगी, और कहने का मतलब कहीं ना कहीं
अनइंप्लॉयमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब समग्र मांग में वृद्धि के साथ में जो कम होती है और समग्र मांग में कमी के साथ बढ़ती है, इसे हम लोग बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो स्वरूप है उसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, उसे ध्यान में रखिएगा, प्रच्छन्न या फिर छिपी हुई या फिर अदृश्य या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है, ये क्या होती है। तो ध्यान में रखिएगा, जैसा कि स्टार्ट करते हैं, बेरोजगारी की वह दशा जिसमें व्यक्ति कार्य पर तो लगा होता है, मतलब वो इंप्लॉयड होता है। मतलब बेरोजगारी की वह दशा जिसमें व्यक्ति काम पर तो लगा है, कहने का मतलब वो इंप्लॉयड है। बेरोजगारी की वह दशा जिसमें व्यक्ति कार्य पर तो लगा होता है, परंतु उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। कहने का मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उनकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा, ये उन क्षेत्रों पर देखते हैं जहां ध्यान में रखिएगा, जरूरत से ज्यादा श्रमिक किसी कार्य को कर रहे होते हैं। तो देखिए, इसको समझते हैं आप, बेरोजगारी की वह दशा जिसमें व्यक्ति काम पर तो लगा होता है परंतु उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। सपोज करो, जैसे ये मार्कर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये मार्कर ध्यान में रखिएगा, थ्री पर्सन इस एक मार्कर को 8 घंटा डेली काम करते हुए एक दिन में बना ले रहे हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब मैंने क्या बोला, 3 व्यक्ति एक मार्कर को 8 घंटा डेली काम करके एक दिन में बना ले रहे हैं। मतलब एक दिन में ये मार्कर 3 लोग मिलकर बना ले रहे हैं। यदि मान लो कि इसमें से एक व्यक्ति को निकाल देता हूं मैं, ठीक है ना, मतलब अब कितने पर्सन बचे, 2 पर्सन। अब 2 पर्सन 8 घंटा काम करते हैं एक दिन तक, फिर भी एक मार्कर बना लेते हैं। कहने का मतलब, ठीक है, इस मार्कर को बनाने के लिए वास्तविक में कितने वर्कर की जरूरत थी, 2 वर्कर की जरूरत। तो जो तीसरा व्यक्ति वहां पर काम कर रहा था, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या थी, शून्य थी। उसकी प्रोडक्टिविटी क्या थी दोस्तों, शून्य थी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब, बेरोजगारी की वह दशा जिसमें व्यक्ति काम पर तो लगा होता है परंतु उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि उसको काम से निकाल भी दे तो भी हमारे प्रोडक्टिविटी पर कोई भी निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसे प्रच्छन्न या छुपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए तीसरे स्वरूप की हम लोग बात करते हैं, तीसरा जो है घर्षणात्मक बेरोजगारी या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ध्यान में रखिएगा, बेरोजगारी की वह दशा जिसमें व्यक्ति ठीक है पुराने कार्य को छोड़ नए कार्य की तलाश करता है। अब इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, या हो सकता है जॉब सेटिस्फेक्शन ना हो, हो सकता है उसकी सैलरी कम हो सकता है, ठीक है, उसका जो एजुकेशन है
ठीक है, जो काम कर रहा है उससे कहीं ज्यादा हो, है ना, मतलब हायर उसका क्या है, एजुकेशन है, ठीक बात है ना, या तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, या तो सैलरी कम है, या तो वो हायर एलिजिबिलिटी रखता है किसी भी कारणवश, या तो उसको काम से कंपनी वाला स्वयं से निकाल देता है, किसी भी काम मतलब किसी भी कारणवश व्यक्ति पुराने कार्य को छोड़कर नए कार्य की तलाश करता है, और नए काम पाने तक हो सकता है उसको एक सप्ताह का समय लगे, हो सकता है उसको एक माह का समय लगे, या हो सकता है एक वर्ष का समय लगे, ठीक बात है कि नहीं। इस ड्यूरेशन में वो अलग अलग कंपनी के पास में जाएगा, अलग अलग कंपनी के पास में जाएगा और अपने रिज्यूम या ठीक है सीवी वगैरह वो अलग अलग कंपनी के पास में पुट करते जाएगा, ठीक है ना। तो बेरोजगारी की वह दशा जिसमें व्यक्ति पुराने कार्य को छोड़कर किसी भी कारणवश नए काम की तलाश करता है, और जितना समय वह नए काम की तलाश में व्यतीत करता है वही जो ड्यूरेशन है दोस्तों, वही उसका घर्षण काल, या फिर वही जो ड्यूरेशन है उसका घर्षण काल कहलाता है, और इस टाइप की बेरोजगारी को हम लोग घर्षणात्मक या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम लोग जाते हैं चौथे स्वरूप की ओर जाते हैं जिसको बोला जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। ध्यान में रखिएगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है यहां पर। अब भारत में जो सर्वाधिक है इसी प्रकार की हम लोग को देखने के लिए मिलती है ना। तो भारत में बेरोजगारी का मैक्सिमम जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है, संरचनात्मक स्वरूप का है। चलिए देखते हैं ये संरचनात्मक बेरोजगारी है क्या, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा अगेन, जैसा कि स्टार्ट करते हैं, बेरोजगारी की वह दशा जो कार्य की संरचना में बदलाव या फिर संरचनात्मक परिवर्तन के फल स्वरूप जन्म लेती है। जो कार्य की संरचना में बदलाव या फिर संरचनात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप जन्म लेती है, जैसे कि हम लोग क्या देख रहे हैं, तेजी से टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, एडवांस हो रहा है। पहले कोई काम जो है वो मैनुअल रजिस्टर के माध्यम से किया जाता था, वर्तमान में कंप्यूटर के आने से उन मैनुअल वर्कर की जगह 10 मैनुअल वर्कर की जगह एक कंप्यूटर ने ले लिया। अभी जैसे याद होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का काम जो है देश में बढ़ते जा रहा है, इसका यूज बढ़ते जा रहा है, और क्या बोला जा रहा है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है हजारों का काम जो है अकेला एक रोबोट कर लेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब नई टेक्नोलॉजी के कारण, इनोवेशन के कारण काम करने की संरचना में क्या हो चुका है दोस्तों, बदलाव हो चुका है, ठीक बात है कि नहीं। लोगों की आवश्यकता क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है, और कम समय में उसको अपना काम यहां पर कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है ना। तो बेरोजगारी की वह दशा जो कार्य की संरचना में बदलाव या संरचनात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप जो है जन्म लेती है, जिससे काफी सारे व्यक्ति जो है बेरोजगारी की दशा को प्राप्त करते हैं, उन्हें ध्यान में रखिएगा दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगार कहते हैं। और खासकर ये जो बेरोजगारी है अल्प विकसित, ठीक है, या अंडर एम्प्लॉयड, या फिर विकासशील देशों डेवलपिंग नेशंस में दिखाई पड़ती है, जहां पर तेजी से एडवांसमेंट जो है वो हो रहा होता है, ठीक है दोस्तों। इसे कहा जाता है संरचनात्मक किस्म की बेरोजगारी। नेक्स्ट आते हैं पांचवा, मौसमी बेरोजगारी या फिर
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से या आप लोगों को पहले से ही ध्यान में होगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट खासकर अपने को देखने के लिए मिलता है कृषि क्षेत्र में, ठीक है, जहां एक पर्टिकुलर सीजन, ठीक है, वर्षा ऋतु के समय में किसानों को काम मिलता है, और जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है, उनके खेतों में पानी की कमी कर चलती है। अब जहां जहां पे नहर नाले या पंप वगैरह नहीं होंगे, उन लोग कहां से दोहरी खेती कर पाएंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि बिना पानी के खेती हो नहीं सकता, ठीक है। तो एक सीजन में क्या देख रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, और जैसे ही वो सीजन खत्म हुई, वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, ठीक है। और जैसे ही ये सीजन खत्म होके वापस से पुराना सीजन चालू हो गया, फिर से उनको काम प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब, बेरोजगारी की वह दशा जिसमें व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर सीजन में काम प्राप्त करता है और किसी दूसरे सीजन के साथ में, ठीक है, वो बेरोजगारी की दशा को प्राप्त करता है, ऐसे बेरोजगारी के स्वरूप को हम लोग बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो यार दोस्तों, ध्यान में इसे रखिएगा। एक और स्वरूप है शिक्षित बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेरोजगारी की वह दशा है जिसमें व्यक्ति जो है काफी ज्यादा शिक्षित है, मतलब वो ग्रेजुएट कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, डॉक्टरेट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा। अब उसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है अपॉर्चुनिटी कमी हो, ठीक है ना, हो सकता है वो स्किल्ड ना हो, ठीक बात, हो सकता है, ठीक है, वो एबल ना हो सकता है फिजिकली, ठीक है, वो कमजोर हो सकता है मेंटली कमजोर हो, ठीक है। तो किसी भी कारणवश, या फिर क्या देख रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव के चलते उन्हें रोजगार ना मिल पा रहा हो। तो ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार की बेरोजगारी को हम लोग बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। तो लगभग सभी स्वरूपों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जाते हैं उस क्वेश्चन में जिसको हम लोग छोड़ते हुए चले थे। वो क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए। भारत में अधिकांशता बेरोजगारी है, तो जैसा कि मैंने क्या बताया, भारत में अधिकांशता कौन से किस्म की बेरोजगारी है, संरचनात्मक, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के बीच जो है वो दिखाई पड़ती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, छिपी हुई बेरोजगारी से तात्पर्य है, मैंने क्या बताया था आप लोग को, किसी कार्य में जिनको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, ठीक है, इसे छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें व्यक्ति काम पर तो लगा होता है परंतु उनकी सीमांत उत्पादकता क्या होती है दोस्तों, शून्य होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रीय और घर्षण जनित बेरोजगारी किस प्रकार के देशों में पाई जाती है, ठीक है, मार्केट अप डाउन स्टेबल ये होते रहता है, ये कहां पे देखने के लिए मिलेगा, अल्प विकसित और विकासशील देश जो है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, तो भारत में बेरोजगारी की ग्रामीण अल्प रोजगार भी पाया जाता है, चक्रीय बेरोजगारी भी पाई जाती है, और संरचनात्मक किस्म की भी बेरोजगारी अपने को देखने के लिए मिलती है। तो इनमें से सभी जो है, ठीक है, भारत में कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्वरूपों में हम लोग को दिखाई पड़ते रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई पड़ती है, तो शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर हम लोग क्या देखते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी हम लोगों को दिखाई पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यदि कोई व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहेंगे, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये कैसी बेरोजगारी है, अनैच्छिक, मतलब काम करने के प्रति इच्छा तो रख रहा है
ठीक है ना, काम करने के प्रति इच्छा तो रख रहा है, वो न्यूनतम मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है, फिर भी उसे पूर्णकालिक रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही है। मतलब वो काम तो करना चाह रहा है, अपने ही अनिच्छा से वो क्या बैठा हुआ है दोस्तों, बेरोजगार बैठा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, तो मैंने क्या बताया था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, किनकी शून्य होती है, तो ध्यान में रखेगा, ठीक है, जिसमें मतलब एक काम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति लगे हुए होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा व्यक्ति होता है वो छुपे किस्म पर बेरोजगार होता है, या इसको क्या बोला जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, सरकार की रोजगार के प्रति ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार न होना, उद्देश्यहीन शिक्षा, शिक्षा का निम्न स्तर। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, शिक्षा का निम्न स्तर, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा का अभाव, ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा का अभाव, कौशल जनित शिक्षा का अभाव। नेक्स्ट आते हैं, ठीक, तो ये था बेरोजगारी से रिलेटेड सारे फैक्ट एंड फिगर। और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बेरोजगारी के अलग अलग स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए सरकार को अलग अलग योजनाओं को धरातल पर लाना होगा, ताकि, ठीक है, इनका अच्छे से कौशल विकास हो सके और ये बेरोजगारी की दशा से मुक्त हो सके। कहने का मतलब, जब ये काम करेंगे तो इनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, ठीक है, और जब इनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो इनके बच्चों की भी स्थिति और भी बेहतर होगी, और अल्टीमेटली देश की स्थिति क्या होगी, बेहतर। तो दोस्तों, हमने पिछले दो क्लास में अलग अलग समस्याओं के बारे में समझा, अब इन समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे, निराकरण कैसे करेंगे, योजनाओं के माध्यम से। और योजना के लिए क्या चाहिए दोस्तों, धन, और धन कमाने के लिए अपने को मैनेज्ड तरीके से काम करना जरूरी होगा। और यदि मैनेज्ड तरीके से काम करना है, तो हम लोग पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मिसमैनेजमेंट किस किस प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो क्लास रहेगा पूरा इसी मिसमैनेजमेंट के ऊपर में रहेगा, कि कैसे मिसमैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग मैनेज्ड तरीके से काम जो है वो कर सके। तब तक के लिए बने रहिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। थैंक यू, धन्यवाद।